किसी पार्टी को छड़ के जाते कोई ना कोई कारण तो होने सर वो कारण जोड़े है अगर वो अपने अंदर झाक के देख कांग्रेस पार्टी तो शायद उन्होंने कमियों का पता लग जाए भी क्यों इन्ना जो कुछ हो रहा है कह रहे हैं कांग्रेस का सारा गंद भाजपा जा रहा है सॉरी रंधावा साहब कह रहे कांग्रेस का सारा गंद भाजपा जा रहा है चलो वो ना दे विचार हो सकते साहब प्रेस कर इलेक्शन दी कितनी की तैयारी है जी भगवंत मान ने गल किया भी भावे उधर चले जान सारे जेड़ा भी जिन्ने भी भ्रष्टाचार कीता एक एक पैसा उनां तो लेला जाएगा चलो इदा मतलब ये नहीं जे बीजेपी चल जाए तो उनां छड़ता जाए वोट बनती है ना ओदे विच मैं ये नहीं देखदा कि फलाना सिंह ब्रैकेट च केड़ी पार्टी लिखी हुई है ना आरा सारयां दी चलू बीजेपी जानदा ये मतलब नहीं बचोगे सो जिहड़ा देखो बीजेपी नूं तुरै जांदा है ओह कोई बीजेपी दीआं पॉलिसीआं नूं प्यार नहीं करदे इधरों डरदे आ वी आरा आई जांदा नहीं नहीं बिल्कुल मैं देखो भगवंत मान जी दी भावना मैं समझदा क्योंकि जे बीजेपी कन्नी बारी बारी इशारा कर रहे उन्हां दे शायद सतेंद्र जैन जी वाला जो दिल्ली दे अंदर मंत्री आ अंदर बैठे है वह भी करप्शन दे मसले च अंदर बैठे है उहदा शायद कोई ना कोई उन्हां दे दिमाग ते प्रभाव है भी शायद इहदे नाल कोई प्रेशर बना के असीं कुछ कर लईए बट मेरी तां इक देखो करप्शन किसी ने भी की है चाहे वह कांग्रेस का है चाहे वह बीजेपी का है चाहे वह अकाली है ईवन आम आदमी पार्टी उन्होंने भी निगाह कर माड़ा जहाँ आम आदमी पार्टी अंदर भी घरें भी झाकी मार के देख लैन उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई होनी चाहिए है जोड़े लोग अद्धे इधरों कोई हरेक पार्टियां च उठ के आए जी अज तो पहले तो कल अपने आम आदमी पार्टी है ही नहीं सी सो आई थिंक दैट नीड टू लुक विद इन तैयारी है जाकर काफी सर चर्चा चल रही है काफी जी बात चल रहा है उस कुछ नु लेके किस मसले सॉरी कांग्रेस दा जड़ा विवाद चल रहा है मेयर दे कुछ नु लेके देखो विवाद तो देखो सारा कुछ चलता ही रहना साहब बाकी इलेक्शन की कितनी की तैयारी है जाकर साहब सनी देओल ना बड़ा विरोध है इलेक्शन है सारा कुछ होगा साहब आज तक प्रोसेस चल रहा है मीटिंग्स जो हो रही हैं रणनीति जी सर डेरा मुखी को रोल पे भेजा गया अपोज हो रहा है पूरे पंजाब के बीच की कहोगे तुसी इस बारे देखो मैं समझदा भी आज जड़ी इस किस्म दी है जो भी लीगल प्रोसेस है पर ये रेमिफिकेशंस आर मोर देन लीगल आ जिहड़ा इशू है बड़ा सेंटीमेंट्स नाल जुड़े है इन्हां लोकां दी एसोसीएशन जिहड़ी है अकालियां नूं या उन्हां नूं जिन्नी भारी पई है पंजाब दे कालजे बलूंदरे पए है इन्हां दी एसोसीएशन दे नाल ते उहनां सारियां गल्लां नूं कानून नहीं देखदा कानून तां अखां दे पट्टी बनी बैठा है पर लोकां दे जिहड़ी भावना है उहनूं जरूर है जिहड़ी ठेस पहुंचदी है राहुल गांधी दी यात्रा नूं लै के सॉरी पंजाब नूं व्यवस्था दे हालात किस तरीके दे ने देखो मैं होर बाकी देखो गुरु की नगरी का तुम देख लो साहब इतने की हाल हो रहा है किन्नी खोह हो रही है मैं कल भी बेनती की भी इन्ने सारे डी जी पी थोड़े को 12 डी जी पी अच्छा के अंदर है उन्होंने चार्ज दे दो भी इन्होंने निगाह रखन भी इतने थोड़ा दे शुड मोनीटर द सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं भी भाजपा नफरत की डर की राजनीति कर रही है सर जो पंजाब के मसले की गल अज होनी है तो मसला सब तो पहला सिखा की गल करिए तो यही होता कि बंदी सिंह रिहा क्यों नहीं किए जा रहे इस मसले की गल देखो सारिया गल सब कुछ पंजाब के हालात डिस्कशन होनी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लेके नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं देखो दोनों किस्म दी गल्लां हो रही हैं वो पार्टी का वो जान क्योंकि अद्धे तो उन्होंने कह रहे हैं भी असी उन्होंने अजे एक्शन लेना है क्योंकि हरीश जी जिहड़े राजस्थान तो इत्थे प्रभारी है उन्होंने कई बार कहता भी साढ़े कोल उहदे खिलाफ जिहड़ी उहनूं दित्ती सीगी नोटिस दित्ता सीगा उहदे ते असी एक्शन लैण दा ऑप्शन कहिंदा साढ़े कोल अजे खुला है क्योंकि उहदे ते कोई कार्रवाई अजे हुई नहीं दूजे पासे स्वागत दी तैयारियां हो रही हैं तीजे पासे मिसिस सिद्धू उत्थे जा के दिल्ली मिले मिलाए भी है तरफ सो आई डोंट नो कन्फ्यूजन है उत्थे सब सारा कुछ स्पष्ट है सब आता टोटली रिमोट भी नहीं कुछ रिमोट इतने भेज रखे है रेजिडेंट कमिश्नर जिम्मे लगाते हैं ना उस तरह रेजिडेंट कमिश्नर तीन चार इतने भेज रखे है वो चला रहे हैं दिल्लियों चल रही है सो आई थिंक मेरा मानना है भगवंत मान जी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ